आज हम इस एपिसोड में इंटरमीडिएट ड्राइंग एग्जाम का प्लेन ज्योमेट्री सब्जेक्ट का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। आज का क्वेश्चन इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में एक्सप्लेन होगा। ड्राइंग एग्जाम गाइड इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, पास वाले बेल आइकन को ऑल करना है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर जरूर करना है। आज का ज्योमेट्री का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें जो इंस्ट्रूमेंट चाहिए, जिसे ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट कहते हैं, राउंडर चाहिए, स्केल चाहिए और एक पेंसिल चाहिए। पहले हम इंग्लिश और बाद में हिंदी क्वेश्चन पढ़ेंगे। आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, उसका अच्छी तरह से ऑब्जर्वेशन करके उस क्वेश्चन को समझ लेना है। पहले हम इंग्लिश क्वेश्चन पढ़ेंगे। सेक्शन फर्स्ट, पैरेलल लाइन। एग्जाम्पल फर्स्ट, टू ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू अ गिवन लाइन फ्रॉम अ गिवन पॉइंट। क्वेश्चन, पॉइंट पी इज एट सम डिस्टेंस फ्रॉम लाइन ए बी विच इज 4 सेंटीमीटर लॉन्ग। ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू लाइन ए बी फ्रॉम पॉइंट पी। अब हम हिंदी वाला प्रश्न पढ़ेंगे। हिंदी उदाहरण, दिए गए बिंदु से दिए गए रेखा को समांतर रेखा निकालना। प्रश्न है, 4 सेंटीमीटर लंबी वाली ए बी रेखा से कुछ दूरी पर पी बिंदु दिया गया है। पी बिंदु से रेखा ए बी को समांतर रेखा निकालना है। इस प्रकार का पहला क्वेश्चन इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले हमें 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस वाली ए बी लाइन निकालना है। इस पॉइंट को नाम देना है ए और इस पॉइंट को नाम देना है बी। ए बी लाइन का डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर है, इसलिए यहाँ पर 4 सेंटीमीटर लिखना है। उसके बाद ए बी लाइन को हमें पी बिंदु से एक समांतर पैरेलल लाइन निकालना है, इसलिए हमें अभी पी बिंदु लेना है। ए बी लाइन के ऊपर कुछ डिस्टेंस पर अप्रोक्सीमेटली पी बिंदु लेना है। वह पी बिंदु हम यहां पर लेंगे इस प्रकार से, इसे हम नाम देंगे पी। अब हमें राउंडर में 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस लेना है, 4 सेंटीमीटर रेडियस त्रिज्या लेना है। उसके बाद राउंडर का यह स्टील वाला पॉइंट पी बिंदु पर रखना है और राइट साइड को एक खड़ा वर्टिकल आर्क करना है इस प्रकार से। उसके बाद राउंडर का ये पॉइंट ये बिंदु पर रखकर हमें पी इतना इसमें डिस्टेंस लेना है और उसके बाद राउंडर का ये पॉइंट हमें बी बिंदु पर रखकर इस खड़े आर्क पर हमें एक हॉरिजॉन्टल आर्क करना है इस प्रकार से। ये दोनों आर्क ने एक दूसरे को क्रॉस किया है, वहां पर हमें एक बिंदु मिला है, उसे हम डार्क करेंगे और इस बिंदु को हम नाम देंगे क्यू। बिंदु पी और क्यू, इनको हमें लाइन से जोड़ना है इस प्रकार से। पी और क्यू बिंदु हमने लाइन से जोड़े है, तो हमें पी क्यू ये लाइन यहां पर मिली है। इस प्रकार ए बी लाइन को पी क्यू लाइन हमें पैरेलल मिली है, यानी कि ए बी रेखा को पी क्यू रेखा यहां हमने समांतर निकाली है। इस प्रकार हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। बच्चों, आपको यह वीडियो अच्छा लगा, समझ में आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे एक नए सब्जेक्ट के साथ। थैंक यू।